अहम तहलका न्यूज और रेवाड़ी से सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रेवाड़ी से सबकी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों से 15 बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि विकास नगर के नवीन और मुंडियाखेड़ा के तरुण को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रिमांड पर लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई और पूछताछ में बाइक चोरी की कई वारदातों पर से पर्दा उठा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है, जहां रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और रेवाड़ी से सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, रेवाड़ी से सबकी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों से 15 बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि विकास नगर के नवीन और मुंडियाखेड़ा के तरुण को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रिमांड पर लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई और पूछताछ में बाइक चोरी की कई वारदातों पर से पर्दा उठा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है, जहां रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मार्च महीने से हमारी जो बाइक चोरी थी वो बढ़ गई। इस संबंध में एसपी साहब ने फिर एक मीटिंग ली स्पेशल और अलग से स्पेशल निर्देश जारी किए और अलग से एक टीम बनाई एसएचओ सिटी की देखरेख में। तो एसएचओ सिटी ने इस पे अच्छा काम करते हुए टोटल जो अब तक मुकदमे हमारे दर्ज हुए वो 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 17 में से नहीं, ये दारूगड़े के भी मुकदमे हैं, सदर के भी हैं, मॉडल टाउन के भी हैं, सिटी के भी हैं। तो ये जो चोर गिरोह था ये ज़्यादातर देहात की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था। तो जो 17 चोरियों में से हमने 15 बाइक बरामद कर ली हैं और जो 2 बाइक बाकी हैं अभी उनको भी जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। तो इसमें टोटल 4 लड़कों का ये गैंग था, जिनमें एक लड़का राजस्थान का था जो इनका मास्टरमाइंड है, जो चाबी वगैरह जो लेकर के आता था। बाकी 3 लड़के यहीं लोकल हैं। तो चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है, 2 जुडिशियल जा चुके हैं, 2 अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पर हैं। सर, बैकग्राउंड की बात कर लें इनके, क्या कुछ है बैकग्राउंड इनका? अभी तक हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है इनके कंसर्न थानों से, वहाँ इनके खिलाफ़ कोई मुकदमे दर्ज नहीं है। नए ही एकदम से उतरे हैं और उतरते ही इन्होंने जो तहलका मचाया था वो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। सर, ये गिरोह तो पकड़ लिया, लेकिन लगातार जिस तरीके से छुटमुट हर जगह चोरी की घटनाएं आ रही हैं बाइक चोरी की, तो उनके रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? जिस तरह इस गैंग को हमने ट्रैप किया है उस तरह दूसरी जो गैंग और हैं वो हमारे टारगेट पे हैं और कुछ लीड भी हमें मिली हुई है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उस पर CIA भी अलग से काम कर रही है और जो SHO सिटी की टीम है वो भी उस पर लगी हुई है। तो ये बाइक राज है, ये अपने घर पर ही रखता था और वहीं से आगे सप्लाई करने का इसका जो विचार था। सर, जो ये पकड़े गए हैं कौन कौन है, कहाँ कहाँ के हैं ये सब लोग? ये एक लड़का का नाम तरुण है, वो मुंडियाखेड़ा का है, सदर थाने में जो उसका गांव पड़ता है। दूसरा लड़का नवीन है, वो विकास नगर रेवाड़ी का लोकल रहने वाला है। तीसरा जो राज है ये पावटा राजस्थान का है और चौथा लड़का गोपाल है, वो आनंद नगर रेवाड़ी का है। तो 3 लड़के तो ये लोकल हैं, एक लड़का जो मास्टरमाइंड है वो राज उसका है, राज जो है पावटा का। ये आपस में दोस्त हैं, पहले कहीं काम करते थे जैसे एक जगह, दूसरी जगह एक दूसरे से जानकारी थी इनकी, ऐसी कोई बात नहीं है कि माइंड में रहे। ये सर, चोरी की जो बाइकें थी इनको आगे कहाँ बेचते थे? ये जो राज से पूछताछ अभी चल रही है तो ये बेच नहीं पाया बाइक, 11 बाइक तो इसके अकेले के घर से बरामद हुई है। तो ये उस फिराक में था, अब भाई आगे इनको खोल कर बेचा जाए, कबाड़ियों को बेचा जाए या लोकल पब्लिक को बेचा जाए। नहीं, अभी तक इनसे ना बाइक कोई बिकी नहीं है क्योंकि नया गैंग था, इनके संपर्क आगे नहीं थे। तो ये किन बाइकों को टारगेट करते थे, किस तरह से चोरी की वारदात? ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये 4 तो बुलेट बाइक चोरी कर ली इन्होंने,
बाकी स्प्लेंडर भी हैं, FZ भी हैं, जो भी बाइक मिल जाती थी और जिसमें इनकी मास्टर की काम कर जाती थी उसी को ये ले लेते हैं। बाइक हैं, दो मॉडल टाउन की हैं, फिर ये सदर से भी हैं, दारूवाड़ा से भी हैं। लोकल ये इनका फोकस ज़्यादा देहात के इलाके पर ज़्यादा था। इन्हें चोरी की शुरुआत की वजह क्या रही है सर? वो अर्निंग वाली बात है कि अपने नशे पत्ते के लिए, जुआ के लिए वो चीज़ खर्चा चाहिए, इसके अलावा और कोई ऐसा मोटिव नहीं था।